गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को दुर्गा अष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दुर्गा अष्टमी स्पेशल बंगाली स्टाइल लूची आर चना दाल। और इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए चना दाल, नारियल, आलू, अदरक एंड हरी मिर्ची। और फिर लूची यानी पूरी के लिए हमको चाहिए मैदा, थोड़ा सा तेल और पानी। और मसालों में हमको चाहिए होंगे ये सारे मसाले जो इजीली घर पे मिल जाते हैं, और आपको स्क्रीन पे भी सारे मसालों के नाम मिल जाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में लेंगे भिगोई हुई चना दाल। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी और 2 सीटी आने तक इसको प्रेशर कुक करेंगे। इसको आपको ओवर कुक नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और आप इसको हाई फ्लेम में प्रेशर कुक करिएगा। और ये दाल कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। और मैंने इस दाल को ना मिट्टी के बर्तन में बनाया था, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो पहले मैंने लिया उसमें तेल, उसमें ऐड किया जीरा, तेजपत्ता, लाल सूखी मिर्ची। और आपको इन मसालों को धीमी आँच में कुक करना है ताकि ये जले ना। फिर इसमें मैंने कट किए हुए आलू ऐड कर दिए, और आलू को आपको थोड़ा फ्राई करना है। जब ये थोड़े रेड कलर के हो जाना तब आप इसमें अदरक, हरी मिर्ची और हींग ऐड कर दो। और ताकि मसाले जले ना, इसलिए आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ पानी ऐड करना पड़ा क्योंकि मैं मिट्टी के बर्तन में इसको बना रही थी। अगर आप नॉन स्टिक कुकवेयर में बना रहे हो तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हल्दी। नमक आप थोड़ा ही ऐड करना क्योंकि दाल में हमने ऑलरेडी नमक ऐड कर रखा है। फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और इसको तब तक कुक होने दीजिए जब तक ऑयल पूरी तरह सेपरेट ना हो जाए। और फिर इसमें बॉईल की हुई चना दाल ऐड कर दीजिए। और कंसिस्टेंसी के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर सकते हो। और गरम मसाला ऐड करके आप इसको कुक होने दो 5 से 10 मिनट तक। अब जब तक ये कुक हो रहा है, चलिए तैयारी कर लेते हैं लूची यानी पूरी की, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ना इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। जब तक आटा बंधने ना लग जाए तब तक आप इसको मिक्स कर लीजिए। और फिर पानी की हेल्प से एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लीजिए। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड मत बनाइएगा, अदरवाइज पूरियाँ फूलेंगी नहीं। एक बार जब डो तैयार हो जाए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मिक्स करके आप इसको ढक के 15-20 मिनट रख दीजिए। यहाँ हमारी दाल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। अब बंगाली दाल जो होती है ना, वो थोड़ी मीठी होती है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करना। मैंने यहाँ पर करीबन 2 चम्मच ऐड की थी। और फिर मैंने यहाँ पर फ्रेश नारियल को क्रश करके यहाँ पर ऐड किया था। आप चाहो तो छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हो, आपको जैसे भी अच्छा लगे। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया था, जो ऑप्शनल है। और थोड़े से नारियल के पीसेस भी ऐड कर दिए। और हमारी दाल है रेडी। अब चलिए पूरियां बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने छोटी छोटी पूरियां बेल ली हैं और उसको एकदम गरम तेल में फ्राई कर लिया है। और इस टाइम ना बहुत डर लगता है कि पूरियां फूलेंगी या नहीं, बट थैंकफुली पूरियां फूल गई। अब चलिए इनको सर्व करते हैं। तो मैंने इसको केले के पत्ते में सर्व किया था क्योंकि ये भोग था, और भोग की फील ना केले के पत्ते से एक अलग ही आती है। तो मैंने यहाँ पे पूरियां, दाल, और जैसे कि हमको भी खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए तो भोग में भी कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, तो मैंने बाहर से ही लड्डू मंगवाए थे। तो मैंने यहाँ पे मीठे में मोतीचूर के लड्डू ऐड कर दिए थे। और ये थी मेरी फाइनल भोग की थाली। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर